हाँ तो बच्चों, हम लोग आज क्या पहचान करेंगे, छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा क्या होता है। ठीक है, आपके सामने ये चीजें रखी हुई हैं, इसमें देख के बताइए कि ये छोटे से कौन कौन सी बड़ी। जैसे ये बिस्किट है, ये इसके बाद ये कलर का पैकेट है, ये इससे बड़ा है कि छोटा है? बड़ा। फिर इससे बड़ा ये क्या है, मार्कर किससे, इस स्केच से बड़ा है, इस कलर के डिब्बे से ये मार्कर बड़ा। फिर इस मार्कर से ये बुक बड़ी है, कैसी है? बड़ी। फिर इस बुक से बड़ा ये क्या है, कलर का पैकेट, क्रेयॉन्स का पैकेट है, वो उससे बड़ा है। ठीक है, फिर इससे बड़ी ये नोटबुक है कि नहीं? फिर इससे बड़ी ये बॉटल है, इससे बड़ी क्या है, और बॉटल से भी बड़ा क्या है, बैग है कि नहीं? अच्छा, अब इधर देखो, सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है, बैग। फिर उससे छोटी क्या है, फिर उससे छोटी क्या रखी है, कॉपी। फिर उससे छोटा क्या रखा है, हाँ रंग रखे हैं। फिर उससे छोटी क्या रखी है, किताब। फिर उससे छोटा क्या रखा है, मार्कर। फिर उससे छोटा क्या रखा है, कलर का पैकेट। फिर उससे छोटा क्या रखा है, बिस्किट। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि ये जो क्रम है वो छोटे से बड़ा है, ठीक है, और ये बड़े से छोटा है। ठीक है, इधर से छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और सबसे बड़ा। ठीक है, आ गई बात समझ में? हाँ, तो अब इसमें देखो, जैसे तुम लोगों में हम देख लेंगे तो क्या है, सबसे पहले आरू है सबसे छोटी, फिर छवि उससे बड़ी, फिर शिवी उससे बड़ी, फिर यश उससे बड़ा, परी उससे बड़ी, आदित्य और फिर गगन। ठीक है, ठीक है, ये हो गया छोटे से बड़ा। और इधर बड़े से बात करें तो सबसे पहले बड़ा कौन है, सबसे बड़ा गगन लंबाई में, फिर उससे छोटा कौन है, आदित्य, आदित्य से छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, यश से छोटा कौन है, शुभी उससे छोटी कौन है, और छवि से छोटी आराध्या। ठीक है, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, समझ में आ गया?